दूसरी तरफ दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बहुत बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि INDIA की रैली केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ही होने जा रही है। खुशी है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज इंडिया ब्लॉक की मैम बड़ी रैली है, क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, आज सिर्फ इंडिया ब्लॉक की रैली नहीं है, आज ये दिल्ली के लोगों की रैली है, ये देश भर के लोगों की रैली है। आज देश भर से, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर अपना रोष प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। रामलीला मैदान में जन सैलाब इकट्ठा हो गया है। आप बाहर सड़क पर जाइए, लोग पैदल आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, मोटरसाइकिल में आ रहे हैं, मेट्रो में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली वालों ने देखा है कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी ज़िंदगी बदली है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के परिवार, चाहे अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी हो, चाहे संजय सिंह जी का परिवार हो, सत्येंद्र जैन जी का परिवार हो, मनीष सिसोदिया जी का परिवार हो, इतने संघर्ष के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, डटा हुआ है, झुका नहीं है। आज किसी के भी परिवार ने ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये लड़ाई छोड़ दो। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसी तरह से उनका पूरा परिवार इस लड़ाई में उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आतिशी, जो कि कह रही हैं कि रोष प्रकट करने के लिए ये रैली है, तमाम दिल्ली और देश के लोग इस रैली में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। और सुनीता केजरीवाल पर कह रही हैं कि हर आम आदमी पार्टी के नेता का परिवार मुश्किल वक्त में अपने उस सदस्य के साथ हमेशा खड़ा रहा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। सुपर संडे होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रणभूमि से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। क्रांति भूमि मेरठ की सरजमी पर पीएम मोदी आज गरजने वाले हैं। पीएम मोदी की होने वाली इस बड़ी रैली की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए का कुनबा भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेगा। और ये रैली इसीलिए भी बहुत खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएम की पहली रैली है। इस रैली में पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी पीएम मोदी के साथ मंच पर आज मौजूद रहने वाले हैं। एक बड़ी रैली होने जा रही है। पिछले दो बार की तरह ही इस बार के लोकसभा चुनाव की शुरुआत भी मेरठ से ही, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से ही ये शंखनाद करने वाले हैं। कुछ घंटों में मेरठ में पीएम मोदी की रैली होने वाली है, लेकिन उससे पहले पीएम ने ट्वीट किया है और उनकी तरफ से लिखा गया है, बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने अपने कामकाज से देश भर के मेरे परिवारजनों की आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है और इसे और गति प्रदान करने के लिए देशवासियों ने लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाजपा एनडीए के साथ जाने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज दोपहर बाद करीब 3:30 बजे जनता जनार्दन से आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ में एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है। प्रधानमंत्री वहीं आज जाने वाले हैं और वहीं से 2024 के चुनाव प्रचार की सबसे बड़ी शुरुआत होने जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस दौरे से प्रधानमंत्री 10 या 20 नहीं बल्कि 28 लोकसभा सीटों को सीधे साथ देने वाले हैं। इस बार सबकी नजर जाट और मुस्लिम वोट पर भी है। अब देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस चुनाव में देश का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दांव पर है यहाँ की 28 सीट और सबकी नजरें हैं जाट, मुसलमान और साथ में दलित वोटों पर। टक्कर बिल्कुल आमने सामने की है। मुजफ्फरनगर, बागपत से लेकर मथुरा और गाजियाबाद तक मशहूर चेहरे हैं, मुद्दे बड़े हैं। हमारी तो मांग यही है कि मजदूर आदमी को रोजगार मिले, मजदूर आदमी को रोजगार मिले और उसे परेशान ना करा जाए, उसके मजदूरी के हक में। 600 रुपए कम से कम झाड़ी होनी चाहिए, 800 रुपए मिस्त्री के होने चाहिए। भविष्य में काम मिले, रोजगार मिले, रोजगार से खाई चाहिए, वरना कुछ भी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफ नरेंद्र मोदी और जयंत चौधरी है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी। ये दो गठबंधन है, यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन।
इन दोनों अलायंस के बीच सबसे बड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। पहले दो चरणों में ही यहां की 28 सीटों में से 16 पर वोटिंग होनी है। जिस गठबंधन की यहां शुरुआत धमाकेदार रहेगी, उसकी धार उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर देखने को मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नब्ज टटोलने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की जरूरत है, और मेरठ से बेहतर कौन सा शहर हो सकता है जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मूड बता सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 31 मार्च से चुनाव प्रचार का आगाज मेरठ से ही करने जा रहे हैं। मेरठ राजनीतिक संदेश के हिसाब से अहम सीट मानी जाती है। दो दशकों से मेरठ बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख केंद्र मेरठ 2014 में और 2019 में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत यहीं से की थी। पीएम मोदी ने यहीं पर अपनी जनसभा की थी, जिसके बाद बीजेपी को चुनाव दर चुनाव यानी कि 2014 और 2019 में ऐतिहासिक सफलता मिलती गई है। और मेरठ से ही जो नीति, जो चुनावी जो एजेंडा तय होता है, वह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक दर्जन से भी ज़्यादा सीट यहाँ का चुनाव प्रचार अभियान प्रभावित करता है। मेरठ से दिल्ली क्या मैसेज जा रहा है, मेरठ से पूरे यूपी और देश में क्या संदेश जा रहा है, बीजेपी इस बात पर जोर देना चाहती है। यही वजह है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 2024 के कैंपेन की शुरुआत पश्चिमी यूपी और खास तौर पर मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से की जा रही है। पीएम मोदी की मेरठ में होने वाली रैली को लेकर ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है मेरठ में, जो 15 सालों में ऐसा देखने को नहीं मिला। और ये देखिए, पीएम मोदी के साथ मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर, मतलब कि ये पीएम मोदी की तस्वीर है, और इसके बाद इनके साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के कटआउट लगाए गए हैं। मेरठ से बीजेपी ने रामानंद सागर के सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। मेरा और कोई मकसद यहाँ नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ के यहाँ सेवा करने आया हूँ, क्योंकि मेरी जन्मस्थली है, मैं पढ़ा यहाँ, मेरी बड़ा मैं यहाँ पर हुआ, तो जो एक अपनी मिट्टी से जो लगाव होता है वो मेरा लगाव है यहाँ, तो मैं उस मिट्टी के लिए, यहाँ के भाई और बहनों के लिए मैं कुछ कर सका तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। अरुण गोविल को मेरठ से टिकट मिलने का मतलब है कि मेरठ से जीत की हैट्रिक लगाने वाले राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कट गया। ये हमेशा नेतृत्व का अपना एक उनका निर्णय होता है, और मैं इस बात को मैं कहता भी हूँ और इस बात को मैं समझता भी हूँ कि हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो दृष्टि है, वो कई बार स्थानीय स्तर की होती है, वो सीमित होती है, हम मेरठ की सोच पाते हैं, लेकिन हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, केंद्र का नेतृत्व है, उसके सामने पूरा प्रदेश, पूरा देश होता है, अनेक प्रकार के समीकरण होते हैं, अनेक प्रकार की रणनीतियाँ होती हैं, तो अनेक प्रकार की अन्य बातें भी होती हैं, तो उसमें से निर्णय होते हैं। देखिए, अगर पोजीशन इतनी ठीक होती भारतीय जनता पार्टी की और इतना अच्छा होता तो कैंडिडेट बदला नहीं जाता और बाहर से कैंडिडेट नहीं लाया जाता। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी जहां इतना ज़ोर शोर से प्रचार कर रही है, इतनी कंफ्यूज क्यों है कि पॉलिटिकल आदमियों की जगह जो है वो सेलिब्रिटीज़ को और धार्मिक कृत करने वालों को, धार्मिक प्रचार करने वाले लोगों को उतारा जा रहा है। क्यों आखिर इतना कंफ्यूजन किस बात से? आपने काम नहीं करे क्या? आपको अपने काम पर भरोसा नहीं है क्या? एक सच ये भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मेरठ लोकसभा क्षेत्र में बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ था। राजेंद्र अग्रवाल की जीत का अंतर 5000 वोट से भी कम था। अब उनकी जगह टीवी वाले राम अरुण गोविल को मेरठ का टिकट मिला, और बीजेपी ने प्रचार की पिच भी राम मंदिर के इर्द गिर्द मजबूत कर ली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राम का जिक्र कर रहे हैं। होली के गाने सुनते थे, होली खेले रघुवीरा अवध में, ये गाना तो हम सुनते बहुत थे, लेकिन अवध में जब जाते थे तो रघुवीर के दर्शन होते ही नहीं थे, रामलला के दर्शन ही नहीं होते थे, नहीं होते थे। पहली बार 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला ने होली।
और आज सियासत का सुपर संडे है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रणभूमि से आज ही चुनावी शंखनाद करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA रैली कर रही है, जिसमें 28 राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहे हैं। अलग अलग दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए, मेरठ से चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, उनके साथ NDA की ताकत यहां पर दिखाई देने वाली है, और दूसरी तरफ INDIA का शक्ति प्रदर्शन यहां पर होगा। ये रैली होने वाली है जिसे लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम दिया गया है, जिसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित रैली होने नहीं वाली। इसमें महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर केंद्र सरकार को घेरा जाएगा।